ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूँ। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साकी और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। आगे से ऐसे हवा में देखे, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाई जदुनान सरकार विद पेज नंबर। अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगे, कमांडर का नाम नहीं बताया, हद होती है। अच्छा वो जो मैसेज आया, उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी। आज घर जाके पढ़िएगा, आज घर जाके पढ़िएगा। अरे सुन लीजिए, औरंगजेब के रशीदी साहब की बारी, अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर है ये, अनफेयर नहीं मानेंगे। सुधांशु भाई ने ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, इत्मीनान से बोलिए, बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं। अब झूठ का कोई प्रूफ होता है? क्या प्रूफ आप कह दीजिए मसीरे आलमगिरी में नहीं लिखा है? आप लिखिए कि मैं हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार हूं। सबूत तो देंगे महाराज, झूठ का सबूत तो देंगे, कोई पास नहीं होता, मेरे पास क्या होगा? झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब भी नहीं लिखी गई? वो नहीं, किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं, अरे सर इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहे हैं क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है, इसीलिए। अच्छा अच्छा ये बताइए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, चेक करिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, चेक कर लिए, आपकी जानकारी कम है, सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दिया है। मैं कह रहा हूं अभी आप कमांडर पे अटके पड़े इसलिए आगे बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, तो सर्वे से दिक्कत क्या है, सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, इसका आप कन्विंसिंग जवाब दीजिए, गिव अ कन्विंसिंग आंसर। हमें दिक्कत नहीं है जी, फिर दिक्कत क्या दिक्कत सिर्फ है? इनको फिर कोर्ट क्यों गए? दिक्कत सिर्फ इनको है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में था, इन्होंने 92 में तोड़ दी, और इनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए हलफनामा दिया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उसको उनको जेल भी हुई एक दिन की, उस पर चीफ मिनिस्टर होते हुए हलफनामा देकर मस्जिद को तोड़वा दिया। इनको तो आदत है मस्जिदें तोड़ने की, इसको भी तोड़ने, कार्रवाई में क्यों फंसे हुए हैं? अब वाग गए, जवाब नहीं दिए, तोड़ने मस्जिद। चलो अब एक और इनको जवाब दे देता हूं, ये कह रहे हैं कि हमें, अरे छोड़िए सुधांशु जी, कहां का जवाब, इतना जवाब देंगे? जवाब नहीं है, सुनिए इतना जवाब देता हूं, सुनिए इतना जवाब देंगे। सवाल सवाल मैं आऊंगा आपका, सवाल क्या है बोलिए, आपका पॉइंट क्या, अपनी बात को रखिए। 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहां, 1632 में पीटर मुंडिया की लिखता है कि यहाँ बायकादा शिवलिंग की पूजा की जाती थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया। मतलब यार ये तो ये होगा कि हम जिस देश में रहते हैं, हम अपने मंदिरों को मार रहे हैं, ये कोई सबूत नहीं दे रहे, और हम यार सबूत के सबूत देने जा रहे हैं। ठीक है अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट क्या है, मैं सब जगह जाऊंगा, आपका पॉइंट क्या, आप एक सेकंड आपका पॉइंट क्या, एक सेकंड आपसे पूछना है, एक शब्द होता है इत्तिफाक होता है, मान लीजिए काशी में इत्तिफाक है, तो क्या राम मंदिर का भी मस्जिद बनना उसके पास इत्तिफाक है, काशी में भी इत्तिफाक है, क्यों बीच में मथुरा में क्यों बीच में हर जगह आ जा रहे हैं, इत्तिफाक कैसे है, ये इत्तिफाक कैसे, आपका पॉइंट क्या है? अरे ठीक है, आपका पॉइंट स्कंद पुराण के काशी कांड के 34वें अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा हुआ है ज्ञान वापी के बारे में, आप बता दीजिए मस्जिद के बारे में किस किताब में लिखा हुआ है जी, बताइए। और अगर वहां पे सब झूठ है, मंदिर भी नहीं था, तो रिपोर्ट हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको भी राम है। ठीक है, यही सवाल मैंने पूछा था आपसे कि सर्वे हो जाए, आपने बोला सर्वे से आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए फिर जी? उस दिन से आज तक के सरकारी दस्तावेज, ये चीजें हिस्ट्री में होती है बेटा, धार्मिक किताबों में नहीं होती, ये हिस्ट्री में होती है। दूसरी बात, अभी भाई ने 20 सेकंड अपनी बात, हाँ मैं 20 सेकंड में क्या, मैं 10 सेकंड में रख दूंगा जी सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो सारी बातें हैं ना काशी के बारे में कि भाई वो धार्मिक नगरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी मानते हैं धार्मिक नगरी है, लेकिन मस्जिद का इनकार किसी भी आपकी धार्मिक पुस्तक में नहीं मिलता कि यहाँ मस्जिद नहीं थी, किसी भी धार्मिक किताब में नहीं मिलता। अब जबरदस्ती तो है नहीं, आपने भी बात, मुझे नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती तो है नहीं, अब कहना पड़ेगा क्यों नहीं मिलती, अब बोलना पड़ेगा, सुनिए दादा, स्वामी दिवंगत दादा
मेरे किसी ग्रंथ में मस्जिद का जिक्र क्यों होगा? वैसे दिक्कत नहीं है मेरे, नहीं उस बात में मैंने तारीफ किया, क्यों किया जाता है? मैंने बार बार उपनिषद का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि मंदिर का नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, लिखा गया है मेरे राम, ये क्या बात है भैया? सुनिए ना इसको, फिर हम बताएंगे काल भैरव को काशी का कोतवाल का, अरे एक सेकंड शांत बैठिए, बता देंगे हम भाई, काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं? बहुत क्लियर लिखा है, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, काशी का। तो एक चीज बहुत क्लियर, और एक चीज कहते हैं कि किसी एक शास्त्र में बताएं, शास्त्र में सर मंदिर का जिक्र होगा, मस्जिद का क्या मतलब है? मैं तो एक चीज पहले श्लोक में कही, तो जो है जिक्र, मैंने एक पहले सूत्र में कहा, जो है कुरान में वो आपका, जो है पुराण में वो मेरा, बात ही खत्म। कुरान में और दूसरी अमीश, पूरा देश महादेव के सामने सर झुकाता है, एक बनारस है जो महादेव को प्यार करता है, क्योंकि बनारस कहता है यहाँ काश नहीं विश्वास है। मेरे दिमाग में प्रथम सूत्र आया, सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव, अगली ध्वनि थी महादेव महादेव महादेव, तो कहां रुक रहा दादा? जिस एक 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 शब्द, एक शब्द सर, जिस प्रकार शरीर में नाभि है उसी प्रकार काशी में ज्ञान वापी है, क्या बदल दीजिए? जी जी ठीक है, मैं आपको हाजी खान 30 सेकंड, दोनों पक्ष हाजी खान 30 सेकंड, अपनी बात को रखिए। ये कह रहे हैं हमारे ग्रंथों में काशी का तस्करा है, ठीक है, कुरान में क्यों नहीं? इनको इतनी जानकारी भी नहीं है कि कुरान आया 1445 साल पहले और मस्जिद बनी 400-500 साल पहले, उसमें कैसे तस्करा होता है? आपको इतनी जानकारी, आप राइट, मैंने इनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि आपकी किताब आपकी कौन सी सन में लिखी, उसका आप पे जवाब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये कमेटी का और श्रृंगार गौरी की लोगों का है, इसलिए झूठ नहीं बोल के उस पर कोर्ट के अंदर है। मैंने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो, झूठ बोल के अच्छा, सच नहीं हो सकता कभी। चलिए बीजेपी झूठों की मंडी है, तारीखी तेरे बीजेपी झूठों की मंडी है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर्वे होना चाहिए, हाई कोर्ट कह रहा है सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुझे एक फैक्ट तो कोई बता दे, मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला थक गया है, मैं पूछ रहा हूं कि सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए था? इसको लेकर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए? बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है, अगर सर्वे चाहिए था तो झूठ कहा पहले।